हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू. ये है आपकी न्यू लर्न वेल की सोशल स्टडीज़ की क्लास फिफ्थ की बुक और लेसन है ये आपका 16th इंडिया विंस फ्रीडम 1950-1947 का. ये टाइम है, ये मैं आपको पढ़ाने वाली नहीं हूँ फिलहाल, क्योंकि मैंने सोचा था ये वीडियो मैंने एक बार ट्राई किया बनाने के लिए, बट चैप्टर बहुत लेंथी है तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन रहा है, जो शायद आप लोग भी बोर हो जाओगे. तो आफ्टर टाइम मैं आपके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ बना दूँगी, लाइक दो एक वीडियो में कंप्लीट कर, सत्याग्रह चंपारण इस तरीके से बनाना मुझे सही लग रहा है, ताकि आप लोग भी उसे देख पाओगे. ठीक है, आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और बिना गलती के क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा. एंड और ये देखिए क्वेश्चन, ये आपकी एक्सरसाइज है, यहाँ से लेके ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और ये आपकी एक्सरसाइज है और ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स देखिए. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, तो यहाँ देखिए साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन आपका देखिए पेज नंबर 101 पे दिया हुआ है, तो आपने यहाँ से लिखना है द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन इन, यहाँ से लेके नवंबर 1927 टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ऑल मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन वर Europeans. The commission came to investigate the failure of the existing reforms and recommend fresh implementation. ठीक है, यहाँ तक आपने लिखना है. उसके बाद में आपका है पॉइंट नंबर टू पे था आपका, कहाँ पर लिखा था मैंने, ये नंबर आपका थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है. पॉइंट नंबर टू है आपका चंपारण कैंपेन. अच्छा, वो पीछे पेज पे है, ये रहा. तो आपने यहाँ से लिखना है चंपारण कैंपेन में महात्मा गांधी एंटर्ड एक्टिव पॉलिटिक्स विद द चंपारण कैंपेन टू रिड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर्स ऑफ बिहार. चंपारण कैंपेन वाज महात्मा गांधीज फर्स्ट सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट इन इंडिया. इंडिगो प्लांटर्स वर फेसिंग प्रॉब्लम विद द टिनकिया सिस्टम, टिनकटिया सिस्टम. ठीक है, तो इसमें मैंने महात्मा गांधी इसको काट के लिखा था, बिकॉज मैं आपको यहीं से करवाने वाली थी. अगर आप हिज भी लिख दोगे तो भी ओके है, महात्मा गांधी जी लिखोगे तो भी ओके है. ठीक है, लेट मी, ये मैंने नोटिफिकेशन अपनी चेक कर लिया. ठीक है, अच्छा, इसके बाद में फिर आपका है थर्ड नंबर पे आपसे लाहौर पूछा गया है, तो आप लिखेंगे, आप ए कांग्रेस सेशन नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे लाहौर कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर इन दिसंबर 1929. इन दिस सेशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ इंडियन एज द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट. ठीक है, इसके बाद आपका पॉइंट नंबर फोर है सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिविल डिसऑबिडियंस. ठीक है, फिर यहाँ से लेंगे स्टार्टेड सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद द डांडी मार्च, यहाँ से लेके 1930 ही की जगह लगेंगे आप महात्मा गांधी. स्टार्टेड दिस फेमस मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम अलॉन्ग विद 78 फॉलोवर्स टू डांडी एट अ स्मॉल विलेज ऑन द गुजरात कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. ठीक है, दिस इज़ योर फोर्थ पॉइंट. एंड नाउ फिफ्थ पॉइंट में आपसे पूछा गया है खिलाफत मूवमेंट, तो आप यहाँ से लिखेंगे, ये आपको पूरा ही लिखना है खिलाफत मूवमेंट में एट द एंड ऑफ द, यहाँ से लेके और ये पूरा लिखोगे. ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा गया है पॉइंट नंबर सिक्स है आपका, छह चीज़ें पूछी गई सत्या, एक सेकेंड. चौथे नंबर पर आपसे पूछा गया था सत्याग्रह, सत्याग्रह आपका लिखा हुआ है पेज नंबर 99 पे, तो यहाँ से आप लिखेंगे महात्मा गांधी फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह और ये सारी चीज़ें यहाँ से लिखते हुए आप आएंगे और पीपल तक लिखेंगे. ठीक है, पीपल तक. ठीक है, इसके बाद में फिफ्थ हो गया खिलाफत, थर्ड के बाद मैंने शायद आपको सीधे फिफ्थ करवा दिया था. सिविल डिसऑबिडियंस है जो आपका सिक्स्थ है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई, इसको मैंने फोर्थ समझ लिया था. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द आंसर नंबर टू. यहाँ पे पूछा गया आपसे व्हेन एंड वेयर डिड, मतलब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब सबसे पहले झंडा फहराया था, तो आप यहाँ से लिखेंगे ऑन 31 दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू अनफोल्ड द ट्राई कलर फ्लैग ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि एज अ सिंबल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द आंसर नंबर थर्ड. आप लिखेंगे अ पब्लिक मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल 1919 इन अ पार्क कॉल द जलियांवाला बाग इन अमृतसर. यहाँ से इसके बाद लिखेंगे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ लीडर्स अंडर द रॉलेट एक्ट. उसके बाद लिखेंगे फिर यहाँ पे आप, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, फिर यहाँ पे आप
कैपिटल बनाओगे। द ब्रिटिश आर्मी सराउंडेड द पार्क एंड ओपन फायर एट द अनआर्म्ड क्राउड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर। उसके बाद फुल स्टॉप हो गया। फिर आप यहाँ एम फिर कैपिटल लगाएंगे। मोर देन 1000 मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड एंड मैनी मोर वर वाउंटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे पूछा गया है कि गांधी जी क्यों आए पॉलिटिक्स में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिसीजन लेड महात्मा गांधी टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आप लिखना पेज नंबर 99 पे देखिए, ही को काट के लिखेंगे, महात्मा गांधी वॉज शॉक्ड टू सी दैट इंडियंस वर ट्रीटेड अनइक्वली इन देयर ओन कंट्री, इवन सोशल इवेल सच एज, यहाँ से लेके बैकवर्ड, ये सब डिप्राइव्ड सेक्शन एंड अनजस्टली तक लिखेंगे फुल स्टॉप। इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाइए वापस। क्वेश्चन में आप लिखेंगे दस ही, यहाँ लेकिन मैंने कैपिटल नहीं लिखा, कैपिटल लिखना बिकॉज वहाँ पे आपका फुल स्टॉप था। तो आप लिखेंगे दस ही डिसाइडेड टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए क्विट मूवमेंट, ये से पूछा गया कि क्या है। तो आप लिखोगे क्वेश्चन में से क्विट इंडिया मूवमेंट, या आप क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय कांग्रेस ऑन 8 अगस्त 1942। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ से पेज नंबर 102 पे है, इन दिस रेजोल्यूशन महात्मा गांधी आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया एंड गेव अ कॉल टू हिज कंट्रीमैन टू डू और डाई फॉर इंडिपेंडेंस। यहाँ आपका ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट हो गए हैं। देखिए एक्सरसाइज, महात्मा गांधी कंप्लीटेड हिज स्टडी, ये कहाँ पे, तो ये 1915 में आए थे, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी फाउंडेड कहाँ पे, उन्होंने फाउंड किया था अहमदाबाद में। ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग टुक प्लेस कहाँ, अमृतसर। सुल्तान ऑफ टर्की वाज द खलीफा। ठीक है, महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ, महात्मा गांधी फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। द चौरी चौरा पुलिस स्टेशन वाज एट, एक मिनट, यहाँ पर आपका आएगा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहीं पे मैंने पढ़ा था, एक सेकंड रुक जाइए, ये लिखा हुआ है देखिए, चौरी चौरा एट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट में पूछा गया है महात्मा गांधी लॉन्च्ड डैश मूवमेंट, तो आप लिखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नॉन कॉपरेशन। ठीक है, इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार यहाँ पे आएगा, फ्रंटियर गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, हाँ ये सुभाष चंद्र बोस, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 13 अप्रैल 1999, डिमांड फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है, और ये सारे मैंने आपको कराए दिए, चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। होपफुली जो मैंने आपको कराया वो आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू डू लाइक माय वीडियोस एंड यू स्टडी विद द हेल्प ऑफ माय वीडियोस, डू कंसीडर सब्सक्राइब योर ओन चैनल प्रिंसेस टियारा एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड FB ऑल्सो, लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गॉड ब्लेस यू बच्चों, कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, लव यू ऑल एंड टेक केयर, गुड बाय।